जंगली मशरूम। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बढ़िया मौसम हो गया देहरादून में, तो बारिश 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 सब जगह हो रही होगी बारिश। अभी तो शॉप जा रही हूँ मैं छाता ओढ़ के, मज़ा आ गया। ठंडा ठंडा मौसम हो गया, बरसात का मौसम शुरू हो गया है अब। जाती हूँ छाता ओढ़ के, बारिश हो रही है बहुत तेज। परांठे बना रहे, परांठे गरम गरम परांठे। गर्मी भी इतनी हो रही, जितना बारिश हो उतनी पसीना आ रहा है, कैसे करेंगे काम। बना दिए परांठे, सात परांठे पैक करने थे, बना दिए। और बारिश हो रही है झमाझम, और देखो ये कॉलेज के बच्चों को कितना मज़ा आ रहा है बारिश में, क्या मस्त मज़ा ले रहे हैं, देख देख के एंजॉय कर रहे हैं। हम नहीं कर सकते, अब पहले ही करा हम लोगों ने, अब नहीं करते, पहले हमने नहीं करी ये चीज़ें। मैं जा रही हूँ घर छाता ओढ़ के, यहाँ देखो ऐसा तालाब बन जाता है, पैदल चलने के लिए मुश्किल हो जाता है। इधर कोई बड़ी गाड़ी आ जाएगी तो मुझे भिगा देंगे, भागो यहाँ से उससे पहले। बारिश हो रही, साल तो मैं दुकान में बैठ के क्या करना, मैं आगे बढ़ा के फिर। बारिश का नाम नहीं है। हमारी गली में भी नदी बह रही है, देखो नदी। पूरा मलबा है, पूरा रोड तो दिख रहा है, देखो सारा मलबा आ गया। ये पूरा घर बार बन रहे हैं ना, सारे उड़ के गेंद में बह के आ गए सारे इनके मसाले। रात को तो ऐसा हो रहा था, यहाँ पे रोड दिख नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था नदी बह रही, नदी नदी है छोटी सी। इतना भयंकर पानी आता है यहाँ पे, ढलान है ना ऊपर, वो है ना जंगल है, जंगल है थोड़ा ऊपर, तो वहाँ से पूरा पानी आता है यहाँ नीचे की तरफ। पर थोड़ी देर बाद पानी सूखती है तो ख़त्म भी हो जाता है, रुकती नहीं है। धीरे 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 अरे बाप रे, किसकी बाइक आ गई मैं घर। ओहो आज तो कहीं कुछ काम भी नहीं होगा बारिश की वजह से। ले रही मजे, बरसात गया ना छुट्टी। हेलो हेलो जी, आ गई लाइट ही है एक्चुअली। मैं आ गई जिम से, शॉप में आ गई अब मैं, फिर बारिश शुरू हो गई, मैं घर कैसे जाऊंगी। खाना वाना बना के आ गई मैं, बच्चे भी आएंगे शायद आज घर, वंशीकार पंप निकल गए शायद, वहाँ से पहुँचने वाले होंगे आपको भी। आ गए बच्चे बाप दिखाते हुए, तब दूसरी प्रिंसेस नहीं उतर रही क्या। चलो मैं जरा घर जाता हूँ। भोग दिने होइना आम्हाला, केही करणे होईना, केही करणे होईना, बहुत ही बदतमीज मेरा सब। गाइस मेरा खाना वाना हो गया है, और अब मैं बर्तन वर्तन साफ करती हूँ, सब किचन फैला हुआ है,
और मेरा भाई अभी आया तो कुछ लेके आया, दिखाती थी। ओ भाई ये क्या है, बरसात में होते हैं ये, और इसकी सब्जी बहुत टेस्टी बनती है मशरूम की तरह। ये देखो छाता पूरा अंदर का छाता, ठीक है, इस सीजन का पहला मशरूम, जंगली मशरूम, जंगलों में मिलता है ये। कल बनाऊंगी ब्रेकफास्ट में अपने लिए और भाई के लिए, और तो कोई खाता नहीं है, बच्चे लोग को तो खा देना, इतना सही है अभी तो। अभी और आएगा धीरे धीरे, जितना बारिश होगा उतना होता है ये। आप लोगों ने खाया होगा कितने जनों ने, हमारे में तो खाते हैं ये, और साथ में ही होता है सिर्फ, फिर नहीं होता ये, इतना टेस्टी होता है ना इसका सब्जी। हाँ क्या खाएगा अब रात को, क्या बनाओ तेल्ले है, क्या मंगाएगा? हमारे में तो इसको चेऊ बोलते हैं, चेऊ। आप लोगों में क्या बोलते हैं? जो गोरखाली लोग हैं उनके मुंह में तो पानी आ रहा होगा उसको देख के उनका तो फेवरेट है ही। और कोई खाए ना खाए वो जरूर खाते से, खरीद के खाना पड़े। ये क्या हो यो? ये केले से मम्मी ले। ओ भाई और बड़ा ने हां ये देख। ओ एंकर भाई यहां पे टेस्ट टक कर रहे फोटो, किसने ये टेस्ट तो करेगा टेस्ट सही के सेल डाउन हो गया, उसको सेल चेंज करने से मम्मी ये किस छानी मस्त। मम्मी कुछ लाए बनाऊं मैं, बताना, खिला दो खिला दो, बनाऊं क्या, मंगा ले कुछ बाहर से। साढ़े दस हो गया, आप क्या मकाओ, बनाओ तेल ले, खाना खा ले, खाना क्यों नहीं खा रहा, ऑर्डर कर ले कुछ। तो मैं इसके बारे में बता रही थी, इसमें पॉइजन वाले भी होते हैं, कितने ना पॉइजन वाले भी होते हैं। क्या बोला तूने? और उसकी पहचान होती है हम लोगों को, मुझे भी नहीं है वैसे तो, मैं तो मैंने आज तक तोड़ा नहीं है जंगल से, जिसको होता है, जैसे मेरा भाई है और भी है, मेरे मौसी लोग भी लेके आते हैं, तो उनको पहचान होती है। एक पॉइजन वाला होता है वो नहीं खा सकते इसको, वो खाएंगे तो क्या होगा पता है सबको मुझे तो पहचान नहीं है बस, मैं तो लाइफ मैंने तोड़ भी नहीं रखा था जंगल में जाके। तो यहाँ बहुत सारे जंगल हैं हमारे एरिया में ना, बहुत ही जंगल हैं, मेरे घर के पीछे भी इधर भी जंगल है, इधर भी जंगल है, बहुत सारे जंगल है। तो वहाँ से गया होगा मेरा भाई लेने दोस्तों के साथ, उसको भी पसंद है इसलिए। तो कल बनाऊँगी इसको मैं टेस्टी, को प्याज टमाटर डाल के, टमाटर तो कम ही डालूँगी, टेस्टी बनती इसकी सब्ज़ी, बहुत बहुत अच्छा बनता है। तो मैं करती हूँ अब किचन फटाफट काम, किचन के अलावा मेरा पूरा सुबह की भी तैयारी करनी है, छोले वोले भी खाने हैं मुझे। तो मैं सुबह, कल थर्सडे तो छोले बनेंगे, करती हूँ थोड़ा सा फटाफट काम, थक जाती हूँ मैं, स्टैंड तक पहुँच जाना, अभी एडिटिंग भी करनी है, ये 12:30 बज जाएंगे मुझे। पहले स्वीटी को खाना दे दूँ, तो चिकन विकन भी नहीं बनाएंगे, पता नहीं ये खाना खाएगी नहीं खाएगी, मुझे तो इसकी दिक्कत हो रही है अब सावन में 1.5 महीने तक, क्या करूँगी इसका, मैं क्या लेके आऊँगी, मुझे मार्केट से बुलाना पड़ेगा इसके लिए ना, पाउच वाले जो मिलते हैं उनका, जो पेडिग्री वाले में उसका नहीं होता है एक, वो ग्रेवी टाइप का, उसमें छोटे छोटे होते हैं चंक्स चिकन के, तो वो ला के एक एक पैकेट डाल के देना पड़ेगा, अब क्या करें, खाती नहीं है तो खाना भी ना चिकन के, बहुत मुश्किल हो जाएगा। आज तो यही भी वैसा भी चिकन नहीं है, कल परसों तो थे, आज तो वैसा भी नहीं है, क्या दूँ मैं इसको, दूध वूध कुछ नहीं खाती, दूध डाल दो, अब इसमें क्या करती हूँ थोड़ा सा पेडिग्री डाल देती हूँ, मिला के दूध को मिला के देती हूँ, खाएगी शायद थोड़ा सा, खा लेगी पेडिग्री को खुशबू से। मिल गया चिकन मिल गया, मैंने रखा था थोड़ा सा ना शॉप के लिए अलग से बोनलेस निकाल के, मैं ले जाना भूल गई, और यहीं फ्रीज़र नीचे चिलर में रखा हुआ था ऊपर, मैंने ब्लैक कलर का, मैंने कहा क्या है, फिर मुझे ध्यान आया कि
चिकन रखा था अभी से बॉईल करके इसको दो पीस कर लो जाएगा। अभी तो हमारे सावन शुरू नहीं हुए हैं ना, अभी अगले हफ्ते हैं। वैसे तो 4 तारीख को शुरू हो गया सबके, हमारे नेक्स्ट वीक से है, तो हमारा नेक्स्ट वीक से तो अभी खा सकते हैं हम तो। उबल गया इसका चिकन, थोड़ा ठंडा होगा तब दूंगी। थोड़ा रोटी बना रही हूँ, भाई के लिए रोटी ख़त्म हो गई है, उसके लिए बना रही हूँ 2-4 रोटी। बर्तन बर्तन समेटती हूँ, दिन ख़त्म हो जाता है, काम नहीं ख़त्म होता है। लेडीज़ लोग का सबका ये प्रॉब्लम होता है सीन, है ना, मेरा नहीं है, सभी का होता है ये प्रॉब्लम। तो सभी लेडीज लोग सुबह से शाम तक काम में लगे रहते हैं, फिर भी सब कहते हैं काम नहीं करते, घर में बैठ के कुछ काम नहीं करते। हाँ जी मैडम, हो गया आपका खाना रेडी। उछल मत मेरा आगे फालतू की, ओवर एक्टिंग की दुकान। अबे दाल ले तो दे मेरी अम्मा, ले चिकन तो बस इसका ऐसा है ना, दीवानी एकदम। बिना चिकन के तो भूखी रह जाएगी। पर गेट लगा दूँ, टाइम हो गया। गेट भी लग गया, बर्तन भी धो लिए मैंने, अब किचन साफ करना है बस मुझे, सफाई। शॉप की चटनी भी बनानी है मुझे, शॉप की चटनी दिन से उबाल के रखा हुआ, बनाने का टाइम ही नहीं लगा। देखती हूँ तो ठीक है गाइस, आज का ब्लॉग मैं यहीं ख़त्म करती हूँ, कल मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ, ठीक है। अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर देना, कमेंट्स भी कर देना, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, भला लग रहा है, जो बोलना है बोल देना कमेंट्स में, ठीक है। मैं उसका रिप्लाई दूँगी आप लोगों को जैसा भी होगा, ठीक है। बाय, गुड नाइट।